नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र का पूरा इलाका सोमवार 20 फरवरी की सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक अस्त व्यस्त रहा। पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह व उनके सहयोगी मंत्री जी की अपराधियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या किए जाने से आक्रोशित लोगों ने रोज सड़ा समस्तीपुर सड़क मार्ग, सिंघिया घाट बेगूसराय सड़क मार्ग तथा समस्तीपुर हसनपुर रेल मार्ग को भी बांस बला लगाकर व सड़क तथा रेलवे लाइन पर टायर जलाकर जाम कर दिया। इस दौरान विभूतिपुर थाना क्षेत्र की सभी दुकानें भी सारा दिन बंद रहा। आक्रोशित लोग अपने हाथों में लाठी डंडा लिए सारा दिन सड़क पर दौड़ लगाते रहे। सड़क जाम की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस बल ने सड़क जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन सड़क जाम कर रहे लोग पीड़ित परिवार को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने, पुलिस कप्तान को घटनास्थल पर बुलाने तथा बदमाशों को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। बाद में जाम स्थल पर पहुंचे मुख्यालय डीएसपी ने आक्रोशित लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनी तथा अपराधियों की गिरफ्तारी होने तक पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए एक सेक्शन फोर्स की व्यवस्था तत्काल कर अपराधियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर शाम करीब 6 बजे सड़क जाम समाप्त करवाया जा सका व यातायात बहाल किया जा सका। आपको बता दें कि विभूतिपुर थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया सुरेंद्र प्रसाद सिंह व उनके एक साथी मंत्री जी की हत्या अंधाधुंध गोलीबारी कर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त कर दी थी, जिस समय वे अपने घर से चिमनी पर जा रहे थे। हत्या करने के तरीके से लग रहा था जैसे अपराधी किसी भी हालत में मृतक को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि सभी गोलियां मृतक के चेहरा, सीना व पेट में ही मारी गई है, जिससे इतना तो स्पष्ट होता है कि अपराधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। सूत्रों का बताना है कि यह हत्या चुनावी रंजिश का भी हो सकता है। अगर इस घटना की जांच सही ढंग से की जाती है तो इसमें बड़े सफेदपोश की गर्दन भी फंस सकती है। हालांकि इस घटना के बाद से विभूतिपुर थाना क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं घटना के बाद पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने कहा कि घटना के तुरंत बाद से ही वरीय पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व के किसी विवाद व पुरानी रंजिश को लेकर इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बहुत जल्द घटना में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चिमनी पर डे जाते थे, चिमनाथपुर होकर के, मोहना होकर के, मंडिया होकर के, उससे आगे उनका चिमनी है, पर डे जाते थे। आज भी जा रहे थे और मेरे ग्राम का एक सत्यनारायण सिंह, उसको मंत्री हम लोग बोलते हैं, वो भी उनके साथ था। आगे मोहना पर जिसको बचनी कचहरी बोलते हैं, वहीं पर पीपर घाट के नजदीक अपराधी इतना गोली मारा है जो वहाँ देखने लगे, दोनों आदमी स्पॉट हो गए। परिवार लोग का जितना भी डिमांड रहा, तीन डिमांड था, उसके साथ हम 100% सहमत हैं। पहला चीज है कि परिवार को सुरक्षा। अभी हम इनके घर पे एक सेक्शन फोर्स हम लोग एकदम, जब तक कुछ हम लोग कर नहीं लेते हैं तब तक हम लोग सुरक्षा देंगे। दूसरा चीज है कि अपराधी को गिरफ्तार करने का, कि 24 घंटा में अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। आप लोग के द्वारा ये बेसिक डिमांड है, ये होना भी चाहिए। तो उसके लिए आप हम लोग को यहाँ से फ्री, मतलब जैसे ही आप लोग को भी समझाने में लग रहा है, जेन्युइन चीज है। तो इसमें अब है क्या कि अब हम आप लोगों से फ्री होंगे तब जाके क्रिमिनल पे काम कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अभी इनको लेकर के चलिए, हम लोगों को फ्री छोड़िए, हम लोग अपराधी पे काम करेंगे। उसके पहले आप लोग प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हमको आवेदन दीजिए, आवेदन तो लेंगे या साथ में हमारा पैरेलली काम टेक्निकल चल रहा है। तीसरा चीज है कि हमको यहाँ पर आश्वासन की बात की, तो एसपी सर के भी हाथ में हम आश्वासन, आपका जितना भी डिमांड था उसको फुलफिल करने के लिए तैयार है। और भी कुछ है तो बता सकते हैं आप लोग। पूर्व मुखिया है विभूतिपुर थाना क्षेत्र में और तीन अज्ञात अपराधियों के द्वारा ये घटना की गई। घटना हम लोगों को भी घटना का जानकारी मिलते ही यहाँ सीनियर ऑफिसर्स पहुँच चुके हैं और अनुसंधान जारी है, FIR भी किया जा रहा है उनके द्वारा। अभी तो तत्काल किसी पर अभी शंका जाहिर नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसा हम लोगों को स्पष्ट हुआ है कि पूर्व का कोई रंजिश चला आ रहा है, पूर्व का विवाद है जिसकी वजह से घटना हुई है।